हाय गाइस, वेलकम टू एडुकेटन। गाइस, इस वीडियो में आज एक नए इनिशिएटिव्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस इनिशिएटिव्स में ये होगा कि मैं आपको पर डे मॉर्निंग में एक मॉडल क्वेश्चंस दूंगा और आपको उसको लिखना है दिन में, और शाम में या फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसका फिर मुझे मॉडल आंसर्स देना है। मैं उसका मॉडल आंसर्स आपको प्रोवाइड करवाऊँगी, उस क्वेश्चंस का मॉडल आंसर्स क्या होगा और कैसे होना चाहिए। आप लोग उस क्वेश्चंस को अभी लिख लेंगे अपने कॉपी में, उसके बाद उसका आंसर्स खुद से लिखेंगे। उसके बाद जब मैं मॉडल आंसर्स दूंगा तो उस मॉडल आंसर्स को आप लोग खुद से चेक करेंगे कि मॉडल आंसर्स से आपका क्वेश्चन आंसर्स किस प्रकार से डिफरेंट है, और क्या बॉडी होना चाहिए, क्या इंट्रोडक्शंस होना चाहिए, क्या कंक्लूजन होना चाहिए, और क्या बॉडी में कंटेंट सही है या फिर बॉडी का कंटेंट एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, नहीं है, बॉडी का कंटेंट कुछ मिसिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, इंट्रोडक्शंस को किस प्रकार से फॉर्मुलेट करना है और कंक्लूजन को किस प्रकार से कंक्लूड करना है, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है हम लोगों को। तो मुझे लगा कि नहीं, क्वेश्चंस और आंसर्स की प्रैक्टिस किए बिना एग्जामिनेशंस की तैयारी नहीं होती है, और ख़ास करके जब हम आईएएस और पीसीएस की एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो मुझे या फिर किसी भी व्यक्ति को आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना ही चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये मूर्खता होगी और शायद एग्ज़ाम में सक्सेस ना मिल पाए, क्योंकि आंसर राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका मतलब सब कुछ मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है कहीं तो। आंसर राइटिंग जब आप लिखना शुरू करेंगे ना, तो फिर आपका जब जो सब कॉन्शियस माइंड्स में भी चीज़ें हैं वो भी बाहर आकर आएगी, और फिर आपको रिकॉल करने की कैपेसिटी पता चलेगी कि आप कितना रिकॉल कर पाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे इस आंसर्स राइटिंग की सीरीज में, और आप लोग अपना आंसर्स लिखेंगे। और आंसर्स कैसे लिखेंगे मैं ये भी बता देता हूँ, आप लोग कॉपी खोल कर आंसर्स मत लिखिएगा। चाहे जैसा भी आंसर्स हो आपका, चाहे जितना ही चीज़ें आपको याद है, उस चीज़ में आप क्या करेंगे कि जो आज क्वेश्चंस दिया गया है, आज का क्वेश्चंस एक बार हम पढ़ लेते हैं। डिस्क्राइब द क्विट इंडिया मूवमेंट इन द स्पेशल कंटेक्स्ट ऑफ बिहार, मतलब आपको क्विट इंडिया मूवमेंट्स को डिस्क्राइब करना है बिहार के संदर्भ में, कि बिहार के संदर्भ में क्विट इंडिया मूवमेंट्स का क्या भूमिका थी। और दूसरी बात है कि दूसरा पार्ट है क्वेश्चन में, देखिए एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट क्या है, क्रिटिकली डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन इट, मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की भूमिका क्या थी, उसको क्रिटिकली डिस्क्राइब करना है, मतलब उसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पक्ष में बातें करनी है कि फेवर में क्या क्या थी और जो फेवर में चीज़ें नहीं थी उन चीज़ों को भी लिखना है। तो इस क्वेश्चन को हम चार पार्ट्स में डिवाइड करके आंसर्स लिखेंगे। पहला तो इंट्रोडक्शंस हो जाएगा फ्रेंड्स, ओके, पहला इंट्रोडक्शंस होगा, उसको भी एक पार्ट मानेंगे हम। दूसरा पार्ट हो जाएगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट्स की जो भूमिका बिहार में थी, या फिर बिहार की भूमिका जो क्विट इंडिया मूवमेंट में थी, वो एक पार्ट हो जाएगा, ओके। और इसका फिर तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा, पहला पार्ट इंट्रोडक्शन, दूसरा पार्ट क्विट इंडिया मूवमेंट्स की भूमिका बिहार में, तीसरा पार्ट है क्रिटिकली डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये तीसरा पार्ट हो जाएगा, ओके। अब चौथा पार्ट में हो जाएगा फ्रेंड्स इसका कंक्लूजन बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, आपका कुछ रिकमेंडेशंस है या फिर सुझाव है, उस सुझाव को भी देना है, और यहाँ सुझाव देने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये चीज़ें घटना पहले हो चुकी है, तो हम कंक्लूजन में यहाँ सुझाव नहीं लिखेंगे, सिर्फ अपना विचार लिखेंगे और या फिर क्या आप इससे समझ पाए हैं उस चीज़ को हम यहाँ कंक्लूड करेंगे, ओके। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चंस को आप आज लिखिएगा, और लिखना कैसे है, जो क्वेश्चंस आपको दिया गया है उस चीज़ से आप पढ़िए, क्विट इंडिया मूवमेंट्स के बारे में पढ़िए, और उसके बाद अगर आपके पास सोर्स नहीं है तो मैंने इसका वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है जो कि बेटर वीडियो है, उस वीडियो को जाकर आप देखिए, तो वहाँ से आपका सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे। रही बात कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की भूमिका, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की भूमिका में आपको आजाद दस्तास से थोड़ा कुछ कंटेंट्स मिल जाएगा, और जयप्रकाश नारायण जी की क्या भूमिकाएं थी क्विट इंडिया मूवमेंट में, क्योंकि वो भी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के ही मेंबर थे, तो उनकी भूमिकाओं का भी आप वर्णन कर दीजिएगा, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। कुछ क्रिटिकली एग्जामिन करना है तो कुछ इनके फेवर में जो नहीं था उनके बारे में भी आप लिख दीजिएगा, तो शायद ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आज आप इस क्वेश्चंस को लिखेंगे, और क्वेश्चंस लिखना कैसे है, पहले आप कंटेंट को पढ़िए, एक पेज का नोट्स बना लीजिए। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग नोट्स बना लिए होंगे, क्योंकि इतने दिन से मैं करवा रहा हूँ आप लोगों का, तो शायद आप लोगों ने नोट बना रखा है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मेरा जीएस का कंटेंट बढ़िया है या फिर मैंने काम कर रखा है, तो आज इस आप आंसर्स को लिखिए, और आंसर्स लिखने के बाद मैं आपको मॉडल आंसर्स प्रोवाइड करवाऊँगा, और उस मॉडल आंसर से आप लोग अपना आंसर्स मिलाइएगा। जो व्यक्ति आंसर्स मुझसे चेक करवाना चाहते हैं, मैं उसके लिए उस मॉडल आंसर्स वाली सीरीज जब मैं लेकर आऊँगा तो उस समय मैं कुछ
कॉमन प्लेटफॉर्म दूंगा जहाँ से आप लोग अपना आंसर्स अपलोड कीजिएगा, जहाँ से मैं या मेरे जो टीम है, मेरे मित्र हैं, वो लोग आंसर्स चेक करेंगे, जो सेलेक्टेड हैं वो भी आंसर्स चेक करेंगे। ओके, तो फिर उससे फिर पता चलेगा कि आंसर्स की क्या क्वालिटी है। और तो फ्रेंड्स मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक आप लोग अपना आंसर्स लिखिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।